हाँ जी, हाँ जी बोलिए। इसका कीमत कितना है? इसका 20 रियाल दीजिए आप। 20 रियाल जी। दस रियाल अभी, कल बाकी दिएगा आपको? नहीं भाई जान, हम क्रेडिट नहीं दे सकता। ये भरोसा नहीं है? 10 रियाल कल दिएगा ना? नहीं भैया, भरोसा का बात नहीं, हम क्रेडिट का धंधा नहीं करता, सॉरी जी। ओके ओके ओके। सेकंड जी। हाँ जी, एक मिनट भाई, थोड़ा इधर आइए। आपका नजरिया थे, आप बिल्कुल ठीक बोला, मैं कंजूस आदमी हूँ, लेकिन क्यों कंजूस हो गया उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आप ये देखता है ना, इतना लंबा इतना चौड़ा बुक है, ये भरोसा का नतीजा है, ये हमारा क्रेडिट बुक है। इसमें 1 रियाल से लेकर 2000 रियाल तक मिलने वाला पैसा है, वो कभी नहीं मिलने वाला पैसा। एक एक आदमी अच्छा से बात करके लेके जाता है, उसके बाद में मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है या मुल्लुक भाग जाता है। हम लोग किधर भागेगा, ये जितना सामान है ना, ये सब क्रेडिट में लेके आता है हम लोग। ये कस्टमर तो लेके भागेगा, लेकिन हम लोग कहाँ भागेगा। और आपको ये बात मालूम है, ये बुक नहीं है, एक एक सुपरमार्केट का अंदर ऐसा वाला 4-5 बुक आपको मिलेगा, उसमें ज्यादातर नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलने वाला हिसाब है, मालूम है। ये तकलीफ आपको मालूम होने के लिए आप एक एक सुपरमार्केट का मुदीर को जाके पूछो, क्या बोलूं, उधर तो खाने का सामान बेचता है, खाने का पैसा भी धोखा दे के भाग जाता है यार। हर रात में ऐसा नहीं है, लेकिन आपका नियत शायद सही होगा, आप हमको कल ला के देगा भी सही होगा, लेकिन हम लोग क्या करूं, धोखा खा के कौन भला कौन बुरा हम लोग जानता भी नहीं, इसीलिए एक साथ फैसला किया क्रेडिट का धंधा नहीं करेगा, बिजनेस कम होने दो लेकिन कैश का धंधा करेगा, इसलिए नाराज नहीं होना भाई जान। ओके सॉरी, मेरे को माल नहीं। ओके भैया, शुक्रिया जी। और हाँ, ये जो पैसा लेके भाग जाता है ना, वो लोग को कुछ बात कहना चाहता हूँ, वो पैसा आप लोग का कभी काम में नहीं आएगा, वो पैसा आपके जीते जी कैसे भी निकल जाएगा, आपको खुद तकलीफ होएगा या आपको परिवार में कोई तकलीफ होएगा, क्योंकि हराम का खाना कभी अजम नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। ओके